So hello everyone, welcome to this new session of topography analysis and resource extraction series. और आज हम सृष्टि दवास मैम जो कि 2023 में रैंक 6 हैं, ठीक है, AIR 6, उनकी कॉपी यहाँ पे देखेंगे. GS3 की ये कॉपी हम देख रहे हैं. पिछले 7-8 दिन से मैंने इसमें कुछ भी अपलोड इस पूरी सीरीज में नहीं किया हुआ है, राइट. मैं अपने लिए तो ये अपने मेंस के लिए ये चीजें एनालाइज करता ही हूँ. हो सकता है वो लोग जो 2024 मेंस दे रहे हैं साथ में, ये उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल हो ये देखने में कि भैया टॉपर जो है ये अपनी डायमेंशन ओपन कैसे करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को ओपन कैसे करते हैं. एंड देन इट इज आल्सो अ वेरी गुड रिवीजन सीरीज एज वेल, सो यू कैन ज्वाइन इट डेली. क्वेश्चन इज कि व्हाट आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, पहला पार्ट आपको ये बताना है. दूसरा कि एग्जामिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन रिगार्ड टू दिस डायमेंशंस. सो नॉट, देखो इसमें ना तीन पार्ट है एक्चुअली, राइट. क्योंकि आपको यहाँ पे स्टेटस एग्जामिन करना है तो स्टेटस तो उतना अच्छा नहीं है. तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ है ना खामियां बता दी और ये नहीं बताया कि आगे क्या करना है, देन योर आंसर वुड बी अ वेरी शैलो आंसर. तो इसमें दो यहाँ पे डायमेंशन बताई हुई है लेकिन एक्चुअली इसमें तीन डायमेंशन है. तो वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट इन सच ए मैनर कि भैया ये पहली डायमेंशन हमारा पहले हाफ पेज में ही हो जाए, अगली डायमेंशन भी अगले के हाफ तक पहुंच जाए और नीचे तीन चार हम वे फॉरवर्ड भी अच्छे से लिख सकें, क्लियर. तो अब देखते हैं कि विद रेफरेंट व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस. थोड़ा अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, खुद सोचिए कि फूड सिक्योरिटी की डिफरेंट डायमेंशंस क्या हो सकती है. न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो सकती है, राइट. दूसरा फूड एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, राइट. देन आप इसमें और क्या डायमेंशन आप इसमें लिखेंगे कि इक्विटी हो सकती है. इक्विटी इज ऑल्सो फूड सिक्योरिटी की डायमेंशन, राइट. कि इक्विटी ऑफ, देखो ऊपर फूड सिक्योरिटी की एक्सेस हमने लिख दिया, इक्विटी फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो पुअर सेक्शन है उनका भी फूड सिक्योरिटी उतना ही अच्छे से इंश्योर किया जा सके जितना कि है ना बाकी लोगों का है. सो दिस इज ऑल्सो फूड सिक्योरिटी का डायमेंशन. आप बीच में लिख सकते हैं NFSA एक्ट, ठीक है. दीज आर सम डायमेंशंस. तो एंड देन आपका जो है सोशल, ठीक है, इसकी एक सोशल डायमेंशन भी है फूड सिक्योरिटी के. वो क्या है कि भैया जितना आपका अच्छी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होगी उतना अच्छा आपका मैन पावर, सोशियो इकोनॉमिक एक्चुअली है, ठीक है, उतना अच्छा आपका मैन पावर होगा. एंड ठीक है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, बाकी चीजें अच्छी होगी. सो दिस इज व्हाट आई कैन थिंक अबाउट इट. देखते हैं इन्होंने इसको कैसे अप्रोच किया है क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि इसकी डायमेंशंस किस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं, राइट. देन एग्जामिन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू दिस डायमेंशन. सो स्टेटस में आपको दो तीन पॉइंट्स पॉजिटिव के हमने बताने हैं, दो तीन पॉइंट्स नेगेटिव के बताने हैं. पहला तो भैया स्टेटस बहुत खराब है. क्यों? क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप इसमें कोट कर सकते हैं. आई थिंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ज्यादा अच्छी रैंक नहीं आती हमारी, कभी 102 आती है, कभी 106 आती है. अभी का क्या है ये स्टेटस अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट क्या है एग्जैक्ट रैंक. तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ही यहाँ पे आना चाहिए, राइट. देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन हंगर इन इंडिया. दूसरी डायमेंशन ये आनी आज आ जाएगी इसकी, देयर इज दिस नेगेटिव पॉइंट. एंड देन राइट, देयर इज ऑल्सो इशू ऑफ एक्सेसिबिलिटी, स्पेशली एक्सेसिबिलिटी स्पेशली इन अर्बन एरियाज, राइट. क्यों? क्योंकि भैया अर्बन एरियाज में आपके जो माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा रहते हैं और इनके पास राशन कार्ड्स तो रूरल इंडिया के थे. अब तो खैर वन नेशन वन राशन कार्ड आ गया है लेकिन अभी तक तो नहीं था. तो इसका जो है एक तरीके से जो लेगेसी इम्पैक्ट है वो अभी भी हमारी माल न्यूट्रिशन में है. पॉजिटिव साइड तो आप वही सारी चीजें लिख सकते हैं, ICDS वगैरह ये सब चीजें, राइट. आपके ये मिड डे मील एटसेट्रा, इन सब पोषण अभियान, ये सब चीजें यहाँ पे की जा रही है, राइट, NFSA. तो अभी देखते हैं इन्होंने इसको कैसे अप्रोच किया कि एज पर WHO फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू. देखो यहाँ पे इन्होंने खुद नहीं डिफाइन किया कि फूड सिक्योरिटी. अब WHO ने ये बोला नहीं, अब एग्जामिनर WHO की वेबसाइट में जाकर कहाँ देखेगा. सीधा लिंक कर दो कि एज पर WHO. ऐसे ही हम क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, IPCC एटसेट्रा किसी का भी लिखते, कहीं रिपोर्ट जरा कोट कर दो, बस आगे अंदर क्या है वो खुद लिख दो, राइट. दिस इज टॉपर्स वे ऑफ राइटिंग द आंसर. एज पर WHO फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फूड है ना ऑल पीपल. राइटिंग भी अच्छी है इनकी, राइट, राइटिंग अच्छी है. श्रुति शर्मा मैम से तो काफी अच्छी है एंड राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी दिखती है, ये खुद भी अच्छे दिखते हैं बहुत ही. खैर आगे चलते हैं. टू एंश्योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थी लाइफस्टाइल. ओके, सो डायमेंशन देखो वही चीज, अवेलेबिलिटी, इनफ प्रोडक्शन इन फार्म्स, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी वही चीज़ थ्रू PDS नेशन शॉप्स,
वही चीज इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया यूटिलाइजेशन, ओह ये भी कोई चीज है, इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय बॉडी, ओके सो यूटिलाइजेशन, एंड देन अफोर्डेबिलिटी की कीप, यस ये डायमेंशन हम भूल ही गए भैया, प्राइसेस भी तो चेक होने चाहिए, दिस इज ऑल्सो डायमेंशन, बाकी चीजें ये ऊपर जो हमने ये डिस्कस किया, आई थिंक दिस वर सम बेटर थिंग्स, राइट, कि फूड की एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, ऐसे वर्ड जिसमें राइट लाए जा सकते थे, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, राइट, ये चीजें यहाँ पे थोड़ी मिस हुई है। इंडियाज स्टेट स्टेटस इन फूड सिक्योरिटी, पहले पॉजिटिव साइड लिखना है फिर, है ना, देयर इज अ डाइकोटोमी, वाओ वाओ, देखो वही चीज इन्होंने भी यहाँ पे उसी तरीके से लिखा कि देयर इज अ डाइकोटोमी, पहला लार्जेस्ट सीरियल प्रोड्यूसर येट हंगर हिडन, वाओ। अब मैं अगर इसी वर्ड इसी लाइन को लिखता तो मैं चार लाइन में इसको लिख देता कि देयर इज अ सीन और डाइकोटोमी वेयर लार्जेस्ट सीरियल प्रोड्यूसर बट स्टिल देयर इज अ हिडन हंगर, तो इसमें चार लाइनें आ जाती। इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा देयर इज अ डाइकोटोमी, क्या लार्जेस्ट सीरियल, ठीक है, तो ये अप्रोच यहाँ से अब लगानी है, प्रैक्टिस में लगानी है। देन नेगेटिव स्टेटस क्या है कि हाई लेवल ऑफ हिडन हंगर, वही चीज इन्होंने बताई, जरूरी नहीं है डेटा कोट करो, लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन हेल्थ आउटकम्स कि स्टंटिंग, वाओ ये डेटा भी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी यहाँ पे हमारा साथ में ये कवर हो रहा है कि स्टंटिंग इंडिया में इतनी है, वेस्टिंग इतनी है ना, एक्चुअल में स्टंटिंग इंडिया में 38% है NFSA के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्होंने 35 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्टिंग इतनी है, आई थिंक एक्चुअल में वेस्टिंग हमारी 18% है, ठीक है, इन्होंने 32 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरवेट 30% लिख दिया, एक्चुअल में ये 33% है जितना मुझे लग रहा है ना, जितना मुझे याद है, लेकिन सिंपल बात यह है कि टॉपर आपको बता रहा है, एग्जामिनर आपका सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कि आपने लिखा कैसे, अप्रोच कैसे किया है, अंदर क्या लिखा है, नो मैटर भाई, कुछ मैटर नहीं करता। देन ड्यू टू ह्यूज पॉवर्टी, ये डायमेंशन वो देख रहा है कि अराउंड 230 मिलियन मल्टी डायमेंशनल पुअर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, यहाँ रिपोर्ट भी आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें MPI लिख सकते हैं, MPI नीति आयोग, MPI एटसेट्रा। देन हाई एनीमिया 57, एक्चुअल में ये 52% है, एग्जैक्ट अगर बताएं तो ये 51.7% है अकॉर्डिंग टू NFHS, ना इन्होंने 57 लिख दिया, दैट मींस आपका जो है जरूरी नहीं है हर चीज रटा रटाया हो, राइट, टॉपर ही आपको बता रहा है। देन सम पॉजिटिव स्टेप्स हैव बीन टेकन, वही बायो फोर्टिफिकेशन, विटामिन ए, ऐसे ही डाल दिया भाई विटामिन ए, है ना, इनफैक्ट बायो फोर्टिफिकेशन के लिए पिछले साल स्पेशली एक मिशन भी लाया था, मैं वो भूल गया, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, देयर इज अ स्पेशल मिशन जो कि बायो फोर्टिफिकेशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया हुआ है, राइट। देन PDS एंड MSP सिस्टम्स टू एंश्योर, ओके, एंड देन इंडिया सक्सेसफुली इन ब्रिंगिंग आउट, है ना, इतना सारा चीजें। देन यहाँ पे ना एक वे फॉरवर्ड, हाँ ठीक है, इन्होंने कंक्लूजन वे फॉरवर्ड बेस्ड लिख दिया है कि हेंस वी आर इन राइट डायरेक्शन टू एंश्योर स्वदेश स्वस्थ भारत हेल्दी इंडिया, ठीक है, लिख दिया स्वस्थ भारत हेल्दी इंडिया, ये चीज यहाँ थोड़ा लिमिट करके, है ना, यहाँ एक तीन लाइन का वे फॉरवर्ड लिखा जा सकता था, ऐसे ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स तीन लाइन का कि PDS रिफॉर्म ये वो बस, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एटसेट्रा। क्वेश्चन आते हैं दूसरे में आते हैं, ठीक है, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड ChatGPT आर पावरफुल, देखो ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये सीधा अपियर हो सकता है आपके, ठीक है, और ये क्वेश्चन आते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन एंड ChatGPT आर पावरफुल टूल्स विद इमेंस पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इंटू मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल सेक्टर, डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो भैया आपने क्या बताना है, एग्रीकल्चर को ये बहुत एफिशिएंट और सस्टेनेबल कैसे बनाएगा, पहले एफिशिएंसी फिर सस्टेनेबिलिटी, डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले सीधे आप शुरू कर सकते हैं, मैं तो इसमें इंट्रो लिखता कि यूवाल नोआ हरारी के, है ना, ओमो ड्यूल के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए गेम चेंजर ऑफ, है ना, कुछ भी ऐसे लिख देता, ऑफ 21st सेंचुरी। इन्होंने कैसे, वी आर लिविंग इन अ इंटरनेट एज वेयर टेक्नोलॉजीज आर स्प्रेडिंग लाइक फायर, ठीक है, सिंपल ऐसे ही इन्होंने भी इंट्रो इसमें किया, कई है ना, ये ChatGPT डिफाइन नहीं कर देना है इसमें, सीधी बात, ये तो इसमें रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। फिर हम बताना है कि इमेंस पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, ये अच्छी एक वो आ जाएगी, देखो अब क्या इसमें यूज है, ठीक है, ब्लॉकचेन मतलब ChatGPT का एक्चुअल यहाँ AI ये लिखना चाहते थे, इन्होंने ChatGPT लिख दिया, ChatGPT क्या ही उखाड़ लेगा, AI एक्चुअल में यहाँ क्वेश्चन बनाने वाला लिखना चाह रहा था कि ब्लॉकचेन और AI, तो ब्लॉकचेन का क्या क्या यूज हो सकता है भैया, नंबर वन आपकी जो है कमोडिटी ट्रैकिंग में, डेटा सेविंग में, डेटा एनालिसिस में, इन सब चीजों में यूज हो सकता है जो कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का, प्रिसीजन फार्मिंग का और प्रिसीजन मैनेजमेंट का, है ना, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट एटसेट्रा का।
आपके एआई का क्या क्या रोल हो सकता है भैया? बिग डेटा एनालिटिक्स, इसका बड़ा रोल है, ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, है ना। देन एआई कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट न्यू मोड्स ऑफ राइट, फॉर एग्जांपल बायो, राइट, बायो फर्टिलाइजर एटसेट्रा, इनको अगर आपको डेवलप करना है यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एटसेट्रा, तो एआई मॉडल्स का उसमें बड़ा यूज हो सकता है। ऐसी कई चीजें इसमें लिखे जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल एआई एनेबल्ड ऑटोमेटेड, आपका ऑटोमेटेड, ठीक है, जो आपके कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट एटसेट्रा है, इन सब चीजों में हम लिख सकते हैं कि दिस विल मेक एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। ठीक है, सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे? सस्टेनेबल का भी एक हेडिंग इसमें बनाया जा सकता है कि नंबर वन, इससे आपकी कार्बन एमिशन कम होगा। क्यों? क्योंकि भैया प्रिसीजन एग्रीकल्चर में आप उतना ही वो डालेंगे, ठीक है, उतना ही न्यूट्रिएंट डालेंगे जितना जरूरी है, एमिशन वगैरह कम होगा, बाकी चीजें, ठीक है, खपत इसकी कम होगी तो इकोनॉमिक कली सफिशियंट भी होगा, सोशली भी, ये जो है सोशली भी इंपॉर्टेंट है कि इससे भी सस्टेनेबिलिटी आएगी। हाउ? कि भैया अब जो छोटे फार्म वाले हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। देन आपको जो है डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब इंडियन कंटेक्स्ट, एक अच्छी हेडिंग यहाँ बन सकती थी, इंडियन कंटेक्स्ट चैलेंजेस, समझ रहे हो? चैलेंजेस क्या है फिर कि भैया टेक्नोलॉजी की अच्छी है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी इंडिया में नहीं है, है ना, ये बहुत ही कॉस्टली है, कॉस्टली चीजें हैं, ये सब चीजें इसमें लिखी जा सकती है, दो तीन। अब देखते हैं इन्होंने कैसे अप्रोच किया पोटेंशियल ब्लॉकचेन इन, देखो सीधा इन्होंने भी वही किया कि पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन इन एग्रीकल्चर, पहले ब्लॉकचेन का बताया इन्होंने दो चीजों में इसमें, हाँ वही वही जैसे हमने अप्रोच किया था, पहले ब्लॉकचेन का फिर एआई का, पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन इन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वही चीज इन्होंने, है ना, फार्म टू फॉक, ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, लेकिन अच्छा है, अच्छा कीवर्ड है, जो भी है अच्छा कीवर्ड है। ये इन्होंने ये डब्बे क्यों बनाए मुझे समझ नहीं आया, ये क्यों बनाए ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इनका, कि प्रोडक्शन एट फार्म, डिस्ट्रीब्यूशन एट फेयर प्राइस शॉप्स, एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, ब्लॉकचेन, ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कुछ बना दिया इन्होंने, ब्लॉकचेन यहाँ पे शो करने की कोशिश करी कि ये ब्लॉकचेन है ना, मुझे एक्चुअल में इसका, ठीक है, ये रियल चीज इसमें समझ नहीं आई कि ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपर यही कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपर यही करते हैं अपने उसमें, कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ ना आए कि ये किया क्या है इसने। देन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भाई ये मैटर कर रहा है, ये जो प्रेजेंटेशन है इतनी इतनी नीट आ रही है, ये मैटर कर रहा है मेन, समझ रहे हो, गैप भी अच्छा है, ब्रेक भी मिल रहा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेरी गुड। हालांकि ये एग्रीकल्चर से लिंक नहीं है, ये उसका आगे है ना, ये डाउनवर्ड आपकी जो सप्लाई चेन है ये उस लिंकेज में आता है, लेकिन फिर भी ठीक है, स्टोरेज ऑफ गोडाउन एटसेट्रा, ये भी इन्होंने यहाँ पे अच्छे से कर दिया कि कैन ऑल्सो बी स्ट्रीमलाइन, एक्चुअल में ना ट्रैकिंग के लिए ये अच्छा है ना, आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की ट्रैकिंग, प्रोडक्शन ट्रैकिंग हर स्टेज में की जा सकती है ना। रिड्यूस वेस्टेज, करंटली 92,000 करोड़ रुपया नीति आयोग, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअल में आप इसमें अच्छा डेटा तो ले सकते हैं, इसमें शांता कुमार कमेटी ने बोला था कि भैया 2015 में आई थिंक वो फॉर्म हुई थी, तो इसने बोला था कि 40% तक तो इंडिया में एफसीआई के ड्राउन में ये फूड वेस्ट ही हो जाता है, करंटली 49% पीडीएस इन कैग, ठीक है, हाँ वही इन्होंने भी यहाँ पे कैग ने कोई रिपोर्ट दी होगी तो 49% ये बता दिया। पोटेंशियल ऑफ चैट जीपीटी, हाँ स्पेसिफिकली चैट जीपीटी इन्होंने बताया कि प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज, वेरी गुड टू फार्मर्स, कि भैया क्या करना है, कौन सा है ना, क्लाइमेटिक एटसेट्रा, क्लाइमेटिक सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीजों पे उन्होंने अच्छी डायमेंशन खोली है, कि हेल्प इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स अबाउट द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, वेरी गुड। ये एक क्वेश्चन भी था कि इंडिया में जो हेल्थ सिक्योरिटी है, इट इज ए चैलेंज नॉट ओनली ऑन द बिहाफ, है ना, ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर बिकॉज दे आर अनअवेयर, बट फार्मर्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो अनअवेयर साइमल्टेनियसली। देन resolve the queries, provide extension services, devise plans for farmers to crop management, ठीक है ना, वही चीजें, लेकिन इसमें ना चीजें इंडिया के perspective में आप अच्छी चीज वो भी लिख सकते हैं, आपको ना इसमें इंडिया के तीन चैलेंज बताने थे, बस छोटे से ऐसे mention करना है, तीन, बस ये तीन चैलेंज, और फिर वे फॉरवर्ड बेस्ड आपका इसमें अच्छा कंक्लूजन हो सकता था, that could have been a, I mean, better approach instead of writing big points. Hence, अब देखो इन्होंने पॉइंट भी 6 ही लिखे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉइंट, लेकिन पॉइंट ना जितने ज्यादा हो सके उतने लिखने चाहिए, मैंने कईयों को सुन लिया। हेंस द टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम, एआई आल्सो विल लीड टू स्मार्ट फार्म्स,
एंड स्मार्ट फार्मर्स मेकिंग आर ये क्या है अन्नदाताज एज एग्रीप्रेन्योर्स। वेरी गुड वेरी गुड भैया, यहाँ यहाँ नंबर है ना, यहाँ नंबर थ्रो किए जाएंगे। अब यहाँ से अन्नदाता भी और एग्रीप्रेन्योर्स भी, ये टर्म्स लिख लेनी है अपने कीवर्ड्स के उसमें, ठीक है, ये चीज अपन उठा लिए यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू रीसेंट एक्सेलरेशन इन ट्रेंड्स टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन ओके ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। डू यू थिंक दैट डॉलर विल लूज इट्स डोमिनेंस एनी टाइम सून? ओके वेरी गुड। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डी डॉलराइजेशन का जो है आप जो इसमें रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से कर सकते हैं, ठीक है, ये रीसेंट राइट, या तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं डी डॉलराइजेशन का मीनिंग क्या है कि भैया डिसोसिएशन फ्रॉम द डॉलर बेस्ड ट्रांजेक्शन एंड क्रिएटिंग न्यू मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर न्यू मेथड्स न्यू मीन्स ऑफ ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम डॉलर, नंबर वन ये भी हो सकता है। नंबर दो आप जो इसमें रीसेंट ब्रिक्स करेंसी की जो बात चल रही है इसका भी अच्छे से हवाला हम दे करके कर सकते हैं राइट, सो दैट कुड बी अ गुड ठीक है वो। फिर आपको इसमें बताना है रीसेंट एक्सेलरेशन, ये प्रूफ करना है कैसे हुआ है रीसेंट एक्सेलरेशन। नंबर वन ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है, नंबर दो नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट जो है ये और फेमस हो गए हैं, नंबर तीन देर इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल बार्टर, ठीक है इंटरनेशनल बार्टर, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये देर वॉज दिस बार्टर मैकेनिज्म फॉर राइट, ये आई थिंक ये वेनेजुएल जो क्राइसिस आया था आई थिंक कुछ टाइम पे ये शुरू हुआ, कई ऐसी कंट्रीज है जो कि सर्विसेज और ट्रेड के बदले ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है वो दे आर नॉट डूइंग रियल पेमेंट्स, सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो एनहांसिंग। देन आपके करेंसी स्वैप जो हो रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन इंपॉर्टेंटली जैसे यूपीआई का एक्सटेंशन, ये अच्छी एक चीज इसमें लिख सकते हैं, ये यूपीआई का एक्सटेंशन इतना हो गया है कि आपके जो स्विफ्ट ट्रांजेक्शन हो रही है इसी को ये एक तरीके से इसकी वायबिलिटी को यूपीआई जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिकली वायबिलिटी को ये चैलेंज कर रहा है, क्योंकि भैया यूपीआई के तहत जो बंदा 2 लाख रुपया बाहर अर्न कर रहा है वो एक ही ट्रांजेक्शन में सीधा भेजे जा रहा है, उसे स्विफ्ट ट्रांजेक्शन नहीं करने पड़ रही है, तो वो रूपी में ही वहां से इधर को कन्वर्ट है ना, बिना कन्वर्ट किए वो रूपी में ही वहां से इधर को भेजे जा रहा है पैसा, ठीक है तो दिस इज ऑल्सो ए थिंग। अब देखते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या इसमें लिखना है, ट्रेंड लिख दिया, देन डू यू थिंक दैट डॉलर विल लूज डोमिनेंस एनी टाइम सून, ये आपका ओपिनियन पूछ रहा है तो यस लिखना है, हाँ डॉलर डोमिनेंस लूज कर रहा है, क्यों भैया ये चीजें हो रही है, ठीक है ग्लोबल साउथ का सर्जेंस हो रहा है, there is a demand for supply chain diversification which also requires monetary diversification, aise kuch bhi argument banane padte hain, lekin again dominance no wala part kyun, to bhaiya us still controls a lot of transactions right, a lot of transactions are still being done through dollar, likh do data andaaze se 70% ke aas paas likh do, itni ho hi rahi hogi, नीचे देखते हैं इन्होंने कैसे इसे अटेम्प्ट किया। डी डॉलराइजेशन रेफर्स वही चीज इन्होंने की कि डॉलर लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस एज ए ग्लोबल करेंसी एंड करेंसी गेनिंग ठीक है प्रोमिनेंस, एग्जांपल रीसेंट मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन, देन फैक्टर्स लीडिंग टू डी डॉलराइजेशन, नंबर वन जियो पॉलिटिकल, वाओ इन्होंने देखो यहाँ फैक्टर बताया, फैक्टर पूछे थे क्या मैंने मिस कर दिया, डी डॉलराइजेशन ऑफ व्हाट फैक्टर्स, ओ भाई मैंने क्वेश्चन ही मिस कर दिया, और जो क्वेश्चन ही मिस कर दिया बात करते करते, देन यहाँ पे रीसेंट एक्सेलरेशन हमने बताया, फैक्टर ने बताया फैक्टर्स क्या है, जियोपॉलिटिकल की राइज ऑफ चाइना डिक्लाइन ऑफ यूएसए है ना थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज का राइज, देन जियो स्ट्रेटेजिक यूएसए एग्जिट फ्रॉम यूनेस्को जेसीपीओए एटसेट्रा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डिक्लाइनिंग रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ एटसेट्रा, ठीक है ना, यहाँ आप सीधे लिख सकते थे कि प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस ऑफ कंट्रीज इज ऑल्सो लीडिंग टू दिस जियो इकोनॉमिक Due to US sanction, Iran and Russia, वही चीज ने यहाँ पे फिर से रिपीट कर दी, मूविंग टूवर्ड द लोकल करेंसी फॉर ट्रेनिंग है ना, लोकल फॉर ग्लोबल, फाइनेंशियल सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री हैज बिकम ए न्यू कंसर्न, ऐसी चीजें इसमें लिखी जा सकती थी, ठीक है इट इज बेसिकली जियो पोलिटिकल आंसर। डॉलर लूजिंग डोमिनेंस सून, वही चीज ने यहाँ पे की, यस नो एंड देन दिस अप्रोच, ये यहाँ से कॉपी करनी है अब है ना, ये नई अप्रोच मैंने देख ली, हाँ यस नो बिना लाइन बनाए सीधे यहाँ पे बता दिया, यस वाला क्या है रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन टॉक्स, रूपी रूबल मैकेनिज्म, वही चीज इन्होंने है ना वस्त्रो अकाउंट नोस्त्रो अकाउंट वही चीज यहाँ पे लिखा, हेजेमनी ऑफ चाइना युआन इज राइजिंग है ना, लिख सकते हैं आप इसमें ब्रैकेट में कि
अराउंड 5% जो है चाइना के युआन का जो है एसडीआर कैलकुलेशन में रोल है। 5% या कितना, इतना इतना लगभग इतना ही होता है जितना मुझे याद है उस टाइम प्री के क्लासेस के टाइम का। फुल कैपिटल अकाउंट का नो नो, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, वेरी गुड, ये तो हमने भूल ही गए, है ना। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात हो रही है भाई, इसका मतलब कि भैया डॉलर में आप फुल कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कैपिटल अकाउंट को। अब वो क्या होता है जिन्हें नहीं मालूम, जो जो मेंस दे रहे हैं उन्हें मालूम है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का है या नहीं। अब यूएस डॉलर इज इन इमेंस, वही स्विफ्ट कंट्रोल्ड, है ना, देन हेजेमनी, ये कीवर्ड है यहाँ, ठीक है। मोर देन 90% ट्रेड ऑकर्स इन डॉलर, वही इन्होंने भी लिख दिया, पता नहीं कितना होता होगा, 90% लिख दिया, इतना नहीं होता होगा, लिख दिया भाई, लिख दिया। हेंस देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज एज इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब इज इन फ्लक्स, इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, वेरी गुड। रशिया यूक्रेन वॉर सप्लाई देन डिसरप्शन, आई थिंक शी इज, इनका पीएसआई यार बैकग्राउंड है क्या, नहीं शी, हाँ, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में वो बताया हुआ है, वो इन्होंने डिग्री विग्री कुछ की हुई है, पीएसआई यार बैकग्राउंड, दिस इज व्हाई शी इज यूजिंग सच कीवर्ड्स। ओनली टाइम विल टेल, ओनली टाइम विल टेल वेदर डॉलर प्रिवेल्स और डिमांड, वाओ, है बड़ा सिंपल सा ये है, ये सिंपल चीजें दिमाग में आती नहीं है उस टाइम, भाई टाइम टाइम बताएगा यार तुम काहे यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे हो फालतू में बैठ के, बहुत अच्छा, राइट, दिस इज वेरी गुड, सो वेरी इंटेलिजेंट कॉल, ये ठीक है। तीन तीन क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, अच्छा रिवीजन भी हुआ, एंड थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, बताते रहिए ये चीजें सही है नहीं है, अपना अपना फीडबैक देते रहिए, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।